हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई दीक्षा पर। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ हेडक्वार्टर्स जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर। जैसा कि आप सब जानते होंगे, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, ये हेडक्वार्टर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं, और आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा तो आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं। तो ये देखो, ये कुछ हेडक्वार्टर्स हैं जो कहाँ हैं, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो उनका देख लेते हैं कौन कौन से हैं जिनेवा में। जैसे WTO, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विपो, विपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO, ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ICR, ICR क्या है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये क्या है, UNCTAD, ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 8 है। फिर से एक बार अगर आपको देखना हो तो इसको यहाँ से रिवाइज कर लीजिए। कौन कौन से 8 के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में, WTO, WHO, WMO, विपो, ILO, ISO, ICRC और UNCTAD। ठीक है, चलिए अब दूसरी सिटी की तरफ चलते हैं। ये कुछ हेडक्वार्टर जो कहाँ है, वियना, वियना कहाँ, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसके देखते हैं, ये है IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ओपेक, ओपेक का नाम आपने सुना ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये क्या है, UNIDO, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये देखो पेरिस में क्या है, यूनेस्को, यूनेस्को का तो कभी कभार फुल फॉर्म भी आता है और कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका तो आप फुल फॉर्म भी एकदम याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, OECD, OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ है जो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ, USA, तो न्यूयॉर्क में क्या है, UNO, UNO मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और UNFA, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, अब लंदन का देखते हैं, कुछ लंदन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये लंदन में है। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ये भी लंदन में है, और इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, ये भी कहाँ है, लंदन। अब ये कुछ अदर्स में है, ठीक है, जो अलग अलग सिटीज में है, जैसे ICJ, ये अभी रिसेंट कई एग्जाम में पूछा गया ICJ। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट ही मान लीजिए, ICJ क्या है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ है, द हेग, द हेग कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक है, FAO, FAO नाम से ही समझ में आ रहा हो, लोगो भी मैंने लगाया है, तो ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है, रोम में, और रोम कहाँ है, इटली में। नेटो, नेटो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका नया हेडक्वार्टर है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेटो, ओके, ये कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। सार्क, ठीक है, सार्क का तो नाम सुना होगा आपने, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल। फिर भी एक बार मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ, काठमांडू नेपाल। आशियान, ये तो सबने नाम सुना होगा, आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ, जकार्ता इंडोनेशिया। एपेक,
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? सिंगापुर। आईसीसी, आईसीसी तो सब जानते होंगे, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, ठीक है, दुबई में है इसका हेडक्वार्टर। ब्रिक्स, ब्रिक्स का नाम तो सबने सुना होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई। आईएमएफ, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और हेडक्वार्टर कहाँ? वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। अब आपको शायद पता हो या नहीं हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। बीमस्टेक, बीमस्टेक ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है, तो ये है बीमस्टेक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ढाका। अब एडीबी का देख लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। चलिए इसी के साथ फिर कुछ अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है, आज के सेशन के लिए यहीं तक था, होप सेशन आपको पसंद आया होगा, थैंक यू।